हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साउंड। साउंड के बारे में आप सभी कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको शायद अभी तक नहीं मालूम होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आज के इस क्लास में हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, कि साउंड जो है, जिसको हम ध्वनि बोलते हैं, वो उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है या वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे लाउडनेस और पिच की, कि कौन सी साउंड लाउड होती है, कौन सी साउंड का किस टाइप का पिच होता है। फिर हम बात करेंगे ऑडियोबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर और साउंड पॉल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ओरिजिन के बारे में, ठीक है, कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है या कहाँ से उत्पन्न होती है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो किस तरह से ट्रेवल करता है, एक वेव के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है। इट प्रोड्यूसेस हियरिंग सेंसेशन इन आवर ईयर्स, और हमें कोई भी साउंड सेंसेशन उसका कैसे फील होता है, हमारे कानों से। टू प्रोड्यूस साउंड वी आर टू मेक वाइब्रेशंस इन आवर बॉडी, कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होता है। साउंड हमेशा वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप कोई मेटल की कोई चीज़ है, आप उसको बीट करते हो तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, जिससे साउंड जनरेट होगी या साउंड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे इसी तरह का एक एग्जांपल दे रखा है। Place a bowl upper side down and strike it with a spoon. The bowl start vibrating, produce particular sound that can be heard. और क्या होगा, उससे हमारे कानों तक सेंसेशन फील होगा और हमें वो साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो आपने क्या जाना कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब होता है कि ये कोई साउंड है वो हमारे कानों तक पहुंच कैसे रही है, उसका मीडियम क्या है, ठीक है। तो साउंड ऑल्सो गेट्स प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो साउंड हमेशा वेव्स की फॉर्म में चलती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टर्ब्ड एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, कोई भी साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब होगा या फिर हम उसको बीट करेंगे, उसमें वाइब्रेशन होगा, तब जाके साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू मैटर और सब्सटेंस कॉल्ड मीडियम, साउंड जो है वो किसके थ्रू हम तक पहुंच सकती है, कोई भी मैटर या सब्सटेंस के थ्रू पहुंच सकती है, जिसको हम नाम देते हैं मीडियम। कि साउंड का मीडियम क्या था, वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है और गैस फॉर्म में उसका मीडियम हो सकता है। मीडियम जो है वो तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के थ्रू हम तक पहुँच सकती है, लिक्विड के थ्रू पहुंच सकती है और गैस के थ्रू भी पहुंच सकती है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मीडियम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कैन साउंड वेव्स ट्रेवल इन सॉलिड, क्या सॉलिड में वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है, या फिर क्या साउंड वेव्स लिक्विड में ट्रेवल करती है, इफ यस गिव सम सिचुएशंस और एग्जांपल, ठीक है। अब क्या देखेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड में किस तरह से साउंड वेव्स पास होती है या ट्रेवल होती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, द कैपेसिटी ऑफ मैटर टू ट्रांसमिट साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स इलास्टिसिटी, कोई भी साउंड है, ठीक है, वो उस मैटर से ट्रांसमिट होगी या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी इलास्टिसिटी पे, ठीक है। इलास्टिक सॉलिड ट्रांसमिट साउंड्स वेल, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, जो इलास्टिक सॉलिड चीज़ें होती हैं, मतलब उनमें लचीलापन नहीं होता है, तो वो क्या करेगी, साउंड को ज़्यादा अच्छे से ट्रांसमिट करेगी। जैसे जो इन इलास्टिक सॉलिड्स हैं, जैसे क्लोथ हैं, रबर है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही कम साउंड प्रोड्यूस होती है, क्यों, क्योंकि इनका जो नेचर है
साउंड को ट्रांसमिट करने का जो नेचर है वो बहुत ही पुअर होता है, क्योंकि ये सॉलिड होते हुए भी क्या होता है, इनमें लचीलापन होता है और वो साउंड को सही से ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। तो जो इलास्टिक सॉलिड्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं साउंड को बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जो इन इलास्टिक सॉलिड्स होते हैं जैसे क्लोथ, रबर, ये सब साउंड को अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए इनको पुअरली ट्रांसमिट कहते हैं। नेक्स्ट है, लिक्विड्स इन जनरल आर बेटर कंडक्टर्स ऑफ साउंड देन गैसेस। लिक्विड जो है उनमें गैसेस के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से साउंड जनरेट होगी। लिक्विड्स इन जनरल आर बेटर कंडक्टर्स ऑफ साउंड देन गैसेस, ये बेटर कंडक्टर होते हैं किससे, गैसेस से। सॉलिड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट साउंड ट्रांसमीटर, और सबसे जो अच्छे साउंड ट्रांसमिट करते हैं वो कौन होते हैं, सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज सॉलिड अ बेटर साउंड ट्रांसमीटर देन लिक्विड एंड गैस। क्या आप बता सकते हैं कि सॉलिड ही क्यों ज़्यादा ट्रांसमिट कर पाते हैं अच्छे से साउंड को लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, तो इसका रीज़न जानते हैं। वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये आपको पता है कि साउंड वेव्स जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएगी, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं वो मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजर टू ईच अदर देन द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड इन गैसेस। आपको पता है जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो तो आप वहाँ पर पढ़ते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो दूर होंगे कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो यही रीज़न है कि जो सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। देयरफोर साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड फास्टर एंड मोर इफिशियंसली इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड इन गैस, और जब उनके पार्टिकल्स पास पास होंगे तो वो ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रांसमिट करेंगे और उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी साउंड को ट्रांसमिट करने की। तो यही रीज़न है कि सॉलिड्स आर बेटर ट्रांसमिटर्स ऑफ साउंड वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फायरवर्क्स डिस्प्ले विल सी द फ्लैश ऑफ ब्यूटिफुल लाइट्स बिफोर हियरिंग द साउंड ऑफ फायरवर्क्स एक्सप्लोजन्स। आपने देखा होगा जब आतिशबाजी होती है, बहुत सारे पटाखे जलाए जाते हैं, तो आपको वो लाइट जो है वो जल्दी दिखाई दे जाती है और साउंड उसकी बाद में आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं कि साउंड जो है वो लाइट के कंपैरिजन में कम होती है, मतलब उनका जो ट्रैवल करने का टाइम है वो ज़्यादा होता है। दी शोज़ दैट साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, वो एकदम स्लोली ट्रैवल करती है किसके कंपैरिजन में, लाइट के कंपैरिजन में। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को, जैसे हम लाइट देख रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, पटाखे जल रहे हैं, तो वो हमें पहले दिख जाते हैं और उनकी साउंड बाद में आती है। क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो लाइट वेव्स के कंपैरिजन में स्लो होती हैं। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, तो यहाँ समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है। थंडर इज हियर्ड फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइटिंग। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में बिजली चमकती है बादलों में, ठीक है, और जैसे ही आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है उसके जस्ट थोड़े से सेकंड बाद में आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ गन विल सी द फ्लैश ऑफ लाइट बिफोर हियरिंग द साउंड ऑफ द गन शॉट। जैसे कोई गन से शूट करता है तो वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी फ्लैश लाइट होती है, ठीक है, फ्लैश लाइट शो होती है, तो वो क्या है, उसकी वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं कि लाइट और साउंड जो है वो किस तरह से ट्रेवल करती हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरीज इन डिफरेंट मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम।
साउंड की वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। इन जनरल द मोर इलास्टिक द मीडियम द फास्टर द साउंड कैन ट्रेवल। जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा मीडियम, साउंड उसमें उतनी ही फास्ट ट्रेवल करेगी। जैसे सॉलिड है, सॉलिड की जो इलास्टिसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें फास्टली मूव करती है साउंड। द साउंड कैन ट्रेवल फास्टर इन अ सॉलिड मीडियम देन इन लिक्विड और गैस बिकॉज द इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इनकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।